सुबह से तो काफ़ी अपार बहुत संख्या में यहाँ भक्त आए हुए हैं और भक्त आकर प्रभु की दर्शन देख रहे हैं, छवि को देख रहे हैं और आनंदित होकर यहाँ से जा रहे हैं। अब रही बात इनकी जन्म उत्सव, तो जन्म उत्सव इनका 9 बजे से बनारस के वैदिक लोग आ रहे हैं, विधिवत इनका जन्म उत्सव मनाएंगे। 9 बजे से शुरू होगा और 12 बजे इनका जन्म कराया जाए। इसके पहले वो लोग वैदिक मंत्रों से भगवान का पूजन कराएंगे, भगवान का पूजन होगा और गीत मंगल होगा, माताएं गाएंगी, वो वैदिक लोग भी गाएंगे। उसके बाद 12 बजे प्रभु की जन्म होगी। तो उस जन्म के अवसर पर हम लोग जहाँ तक किए हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा कर सकें, लेकिन भगवान ही बताएंगे कि हम लोग कितना सक्षम है और क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा तो अवधेश कुमार मिश्रा, यहाँ के प्रथम पुजारी हैं, भगवान के दास हैं, झाड़ू बहारू करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान के लिए सुबह से आज पूरे भक्तों की लाइन लगी हुई है और कम से कम सुबह से 6 बजे के करीब से पूजा हो रही है और पूजा होने के क्रम में काफ़ी लोग यहां से लेकर बाहर तक के लोग आए हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। यहां पर मंदिर में ससरने का भी जगह नहीं है और उस स्थिति में प्रशासन भी हमारा सहयोग किया, मेरे कार्यकर्ता भी जितने मंदिर के हैं लोग सारे लोग सहयोग किए और आज के डेट में भगवान के जन्माष्टमी का दिन है, जन्म का दिन है और संध्या 9 बजे से उनका कार्यक्रम होगा और 12 बजे रात तक चलेगा, क्योंकि सभी भक्त पंडित बाहर से आए हुए हैं बनारस से, जो कि हमारा नाम हुआ संजय कुमार सिंह एडवोकेट। हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं, बच्चा को आशीर्वाद दिलाने के लिए।